जानिए इस वीडियो में धनिए को सबसे फास्ट, सबसे जल्दी उगाने का बिल्कुल नया तरीका। इस तरीके से आपने कभी नहीं उगाया होगा। नमस्कार दोस्तों, एग्रोफील्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम धनिया उगाना सीखेंगे। धनिए को उगाने का बेहद फास्ट मेथड इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो के टाइटल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, मात्र 4 दिन में धनिए को जर्मिनेट करके आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। और यह वीडियो सिर्फ 4 दिन के अपडेट तक की ही नहीं होगी, बल्कि पूरी हार्वेस्टिंग तक की यह वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने खड़ा धनिया ले रखा है, यानी साबुत धनिया। यह बिल्कुल लोकल धनिया है, घरों में मसाले में जो यूज़ किया जाता है यह वही है। यह बहुत ज़्यादा टेस्टी और सेंटेड होता है। अगर आप घरों में धनिया उगाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हाइब्रिड धनिया की बजाय घरों में यूज होने वाले धनिए को ही लगाएँ। इसे लगाने का क्या प्रोसेस होता है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको इसे दिन भर की धूप में सूखने के लिए रख देना है, क्योंकि घरेलू धनिया के बीज में फंगस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छी तरह सूखने के बाद इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे और इसमें आपको हेल्दी, अनहेल्दी सभी तरह के सीड्स मिक्स देखने को मिलेंगे, इसलिए आपको थोड़ी अधिक क्वांटिटी सीड्स की लेनी है ग्रो करने के लिए। जैसा अभी आप देख रहे हैं, आप भी इसी तरह किसी लकड़ी, ईंट की मदद से किसी रफ वाली जगह पर सीड्स को बिखेर कर सीड्स को रगड़ना है। जैसा आप देख रहे हैं, ठीक इस तरह से सीड्स बड़ी आसानी से 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, किसी सूती कपड़े या किसी भी जालीदार चीज़ में धनिए को डालकर बांधकर पोटली बनाकर गीली रेत में 3 से 4 दिनों के लिए दबाकर रख देना है। आपको इसमें ध्यान देना है, रेत में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। आपको प्लास्टिक इसमें यूज नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक यूज करने पर सारे सीड्स निकल जाएंगे। आप इस तरह का कैरी बैग ले सकते हैं या कोई भी कपड़ा जिसमें एयर पास होता हो, इसे सीड्स में फंगस नहीं लगेगा और सारे सीड्स जर्मिनेट होंगे। दोस्तों, धनिए के बीज को गीली रेत में दबाए हुए 4 दिन हो चुके हैं। अब इसे ओपन कर लेंगे। इसमें आप साफ देख सकते हैं जड़ें बाहर तक आ चुकी हैं। ओपन करने के बाद सारे सीड्स की स्थिति कुछ ऐसी है, ज़बरदस्त तरीके से सारे सीड्स स्प्राउट हो चुके हैं। अब यह डायरेक्ट ज़मीन में, पोट में या किसी भी टब में, जहाँ भी आप इसे लगाना चाहें, लगाने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे लगाने के लिए सोइल मीडिया के लिए मैंने यहाँ लिया है 50% नॉर्मल सोइल और 25% कंपोस्ट खाद और 25% सैंड। आप कोई भी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप काउडंग कंपोस्ट लेते हैं तो वह कम से कम 2 साल पुरानी होनी चाहिए, वरना सीड्स के जर्मिनेट होने के बाद पौधे गलने लगेंगे। धनिए को लगाने के लिए मैंने यहाँ 10 इंच का टब लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटा बड़ा जो भी आपको सही लगे आप ले सकते हैं। आपको उसमें ध्यान रखना है, उसमें काफ़ी संख्या में ड्रेनेज होल बने होने चाहिए एक्सेस वाटर को ड्रेन आउट होने के लिए। सोयल मीडिया को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें आप चाहें तो कोई भी फंजीसाइड डाल सकते हैं, बट मैं इसमें यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप सोयल मीडिया को 1 से 2 दिनों के लिए धूप में दिन भर रख कर ड्राई कर लेते हैं, अच्छी तरह से सुखा लेते हैं, तो कोई भी फंजीसाइड आपको यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोयल मीडिया अब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब आपको इसमें करना क्या है, इसके बाद आपको ड्रेनेज होल को नारियल के छिलके या कंकड़ पत्थर वगैरह से कवर करना है। इसके बाद सोयल मीडिया डालकर इसमें सारे सीड्स को स्प्रिंकल करेंगे। उससे पहले इसमें वाटरिंग कर लेंगे, फिर सीड्स को इसमें लगाएंगे। इसमें आप कोशिश करें इसे अधिक से अधिक घना लगाने की। अगर जर्मिनेट अपडेट अच्छा आता है तो आप उसे उखाड़ कर पतला, यानी पौधे को दूर दूर कर सकते हैं। सीड्स को स्प्रिंकल करने के बाद उसी मीडिया से सीड्स को ऊपर से कवर करेंगे। आपको इसमें बिल्कुल पतला सा लेयर चढ़ाना है, जिसके बाद फिर से इसमें हल्की वाटरिंग करेंगे। दोस्तों, यह 3 दिन के बाद का अपडेट है, यानी टोटल 7 दिन का। 4 दिन इसे हमने गीली रेत में दबाकर रखा था और उसके अगले 3 दिन का अपडेट रिजल्ट आपके सामने है, यानी टोटल 7 दिन का अपडेट। इसमें 50% से ज़्यादा सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं और अभी भी बहुत सारे सीड्स जर्मिनेट होने बाकी हैं। और यह 10 दिन के बाद का अपडेट है, यानी 11वें दिन का अपडेट रिजल्ट आपके सामने है। अब लगभग सारे सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं। इसके बाद यह 16 दिन के बाद का अपडेट है। इसमें अब 2 लीव्स भी आ चुकी हैं। यह ज़रूरत से ज़्यादा घना होने के कारण मैं एक बार इसको हार्वेस्ट कर चुका हूँ। अभी वे काफ़ी घना है। इसे तब तक उखाड़ कर हार्वेस्ट करते रहेंगे जब तक कि प्लांट थोड़े कम और दूर दूर नहीं हो जाते। चलिए इसके और आगे का अपडेट देखते हैं। इसके बाद यह देखिए 22 दिनों के बाद का अपडेट है। आज फिर इसे हार्वेस्ट करेंगे। जब प्लांट दूर दूर हो जाएंगे, सभी पौधे का स्टेम मोटा और मजबूत हो जाएगा, उसके बाद ही हमें इसकी पत्तियों को पिंच करके यूज करना है
और इस तरह यह कई दिनों तक चलता रहेगा। लंबे समय तक हमें धनिया के पत्ते खाने को मिलते रहेंगे। तो आई होप यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसे आप कम से कम एक बार शेयर ज़रूर करेंगे ताकि अन्य लोग भी धनिया को सबसे कम समय में बहुत अच्छी तरह से उगा सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।